नमस्कार आदाब, आप सभी का स्वागत है। सीआईबी इंडिया न्यूज पर इस वक्त जारी है खबरों की रफ्तार का सिलसिला। शादी समारोह में जा रहे युवक को तीन अज्ञात बाइक सवार हमलावरों ने मारी गोली, गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज में कराया भर्ती। आरोपी घटना के बाद हुए मौके से फरार, पुलिस मौके पर जांच पड़ताल में जुटी। घायल को आनंद फानंद में परिजनों ने मेडिकल कॉलेज में कराया भर्ती। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के जमालपुर की घटना। दरअसल सिविल लाइन थाना क्षेत्र के जमालपुर का रहने वाला अमान मलिक उम्र लगभग 18 वर्ष अपने दोस्त के भाई की शादी में शामिल होने के लिए शमशाबाद जा रहा था। उसी दौरान तीन अपाचे सवार नकाबपोश बदमाश पीछे से आए और बाइक सवार अमान को गोली मारकर मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना जैसे ही परिजनों को हुई, परिजन स्थानीय लोगों की मदद से तत्काल घायल को मेडिकल कॉलेज में उपचार के लिए लेकर आए। बताया जा रहा है कि अमान की तबीयत काफी गंभीर है, जहां डॉक्टर इलाज में जुटे हुए हैं। आरोपी घटना के बाद मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना पर पहुंची इलाका पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। परिजनों ने बताया कि कभी किसी से भी किसी तरीके की दुश्मनी भी नहीं हुई। हालांकि अभी तक परिजनों ने कोई भी किसी भी लिखित शिकायत पुलिस को दर्ज नहीं कराई है। अलीगढ़ में सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने के मामले में दर्जन भर से ज्यादा लोग जेल की हवा खा चुके हैं, लेकिन कुछ लोग इस तरह की हरकत किए बगैर रहने को तैयार ही नहीं। यही कारण है कि सोशल मीडिया पर जाति, धर्म और देवी देवताओं के बारे में अपशब्द कहने से नहीं कतरा रहे हैं। ताज़ा मामला भी अलीगढ़ का ही है। राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी जिला मुख्य शाखा के व्हाट्सएप पर भी अब इस तरह की पोस्ट वायरल की गई है। व्हाट्सएप ग्रुप में हिंदू देवी देवताओं को अपमानित करते हुए बौद्ध धर्म को ऊंचा दिखाने और दोनों धर्मों में टकराव करने वाली एक पोस्ट वायरल की गई, जिसकी सूचना किसी तरह हिंदू महासभा के पदाधिकारियों तक जा पहुंची। तो वहीं दूसरी ओर व्हाट्सएप ग्रुप में देवी देवताओं की अमर्यादित और भड़काऊ पोस्ट डालने से हड़कंप मच गया। जैसे ही इस पोस्ट की सूचना हिंदू महासभा को हुई, तो हिंदू महासभा बिना देर किए थाने जा पहुंची। हिंदू महासभा के पदाधिकारियों के द्वारा थाना गांधी पार्क में जाकर ग्रुप एडमिन भानु प्रकाश सैनी एवं उसके लेख के लेखक डॉक्टर महेंद्र सिंह यादव बौद्ध के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उनके द्वारा कहा गया कि हिंदू धर्म में देवी देवताओं का अपमान नहीं सहा जाएगा, अपमानित करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, जिससे इस तरह की घटना दोबारा न हो। हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे महानगर महामंत्री अभिषेक गुप्ता ने देखा कि राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी करके ग्रुप है, उसमें जोड़ा गया है और उसमें भानु प्रकाश सैनी ने एक पोस्ट साझा की है जिसमें हिंदू देवी देवताओं के बारे में अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है। अभद्र एवं अश्लील भाषा के साथ साथ अनर्गल शब्दों का प्रयोग है। उनके बारे में ये लिखा गया कि वो काल्पनिक हैं। देवी देवताओं के बारे में अश्लील भाषा की शब्दावली जो है वो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के बीच में टकराव पैदा करने वाली है। उन्होंने बौद्ध धर्म की बढ़ाइयाँ करते हुए हिंदू धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश की है, जिससे हमारी धार्मिक भावनाएँ आहत होती हैं। इससे दोनों वर्गों के बीच में वैमनस्यता पैदा होती है और टकराव की स्थिति पैदा होती है। इस संबंध में आज हम थाना गांधी पार्क पर मुकदमा पंजीकृत कराने आए हैं ताकि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो और भविष्य में इस तरह की कार्रवाई, इस तरह की पोस्ट लिखने से लोग बचें, इसका संदेश जाना चाहिए। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की शुरुआत होने के बाद अब सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की भी मस्जिद निर्माण को लेकर सक्रिय हो गई है। इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन के नाम से ट्रस्ट गठित होने के बाद अयोध्या के धन्नीपुर में मिली जमीन का चिन्हांकन करा दिया गया है। वहीं बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने कहा है कि मस्जिद का नाम देश के नाम पर कुर्बान होने वाले महापुरुषों के नाम पर रखा जाए तो बेहतर रहेगा। मैंने कहा है कि बाबर का हमारे धर्म से कोई विशेष संबंध नहीं रहा है। अयोध्या विवाद पर 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुरूप शासन ने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन दे दी थी। अयोध्या के धन्नीपुर ग्राम सभा में स्थित यह जमीन श्री राम जन्मभूमि से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और नेशनल हाईवे संख्या 28 के करीब है। वक्फ बोर्ड को दी गई है जमीन कृषि विभाग की थी। 17 अगस्त को सुन्नी सेंट्रल बोर्ड के सदस्यों की मौजूदगी में 5 एकड़ की जमीन का चिन्हांकन भी कर दिया गया। वक्फ बोर्ड जमीन को मस्जिद निर्माण के लिए गठित इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन को निर्माण के लिए सौंपेगा। माना जा रहा है कि जमीन के चिन्हांकन होने के बाद मस्जिद निर्माण का कार्य शीघ्र शुरू किया जा सकता है।
वहीं बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी ने कहा है कि बाबर का सिर्फ नाम ही है, वह बादशाह जरूर रहा लेकिन उसका हमारे धर्म से कोई विशेष संबंध नहीं है। हम बाबर का नाम पहले भी नहीं लेते थे और आज भी नहीं लेते। इकबाल अंसारी ने कहा कि मुस्लिम समाज ने भारत के लिए अपनी कुर्बानी दी है। मुस्लिम समाज के कई महापुरुषों ने देश को गति देने में अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। अब्दुल कलाम आजाद, अशफाकुल्ला खान, वीर अब्दुल हमीद, मौलाना आजाद और पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम अपने देश के लिए योगदान दिया है। ऐसे महापुरुषों के नाम पर मस्जिद का नाम रखा जाना चाहिए। देखिए, सवाल हमारे यहाँ अयोध्या का है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया था 5 एकड़ जमीन मस्जिद के लिए और 5 एकड़ जमीन मिली है धन्नीपुर में, अयोध्या से 25 किलोमीटर दूर है। हमने इससे पहले भी कहा था कि बाबरी मस्जिद का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया है, 5 एकड़ जमीन दिया है, तो हमने यही कहा और जनता की मांग भी है कि वहाँ स्कूल बन जाए, हॉस्पिटल बन जाए। ऑलरेडी वहाँ 22 मस्जिदें हैं और हिंदुस्तान में बहुत से लोग जो है महापुरुष जो है हिंदुस्तान में आए और गए। अब्दुल कलाम आज़ाद भी रहे और अशफाकुल्ला खां के रहे, APJ अब्दुल कलाम रहे, इनके नाम से भी होना चाहिए जो है स्कूल, मस्जिद, हॉस्पिटल, क्योंकि जिन लोगों ने कुर्बानियां दी हैं देश के लिए। बाबर का नाम हम तो पहले भी नहीं लेते रहे, आज भी लेते नहीं, वो हमारा कोई जो है हमारे धर्म से कोई रिलेशन नहीं, नाम अलग अलग है, बाबर बाबर नाम है, वो बादशाह थे। लेकिन हिंदुस्तान के जो महापुरुष लोग गुजरे हैं, APJ अब्दुल कलाम थे उनका नाम होना चाहिए, मौलाना आज़ाद थे उनका नाम होना चाहिए, वीर अब्दुल हमीद है उनका नाम होना चाहिए, अशफाकुल्ला खां है उनका नाम होना चाहिए, और नहीं जो लोग बाबरी मस्जिद से जुड़े हुए थे उनका नाम होना चाहिए। हम तो ये चाहते हैं कि अगर बाबर का नाम ना रखा जाए बहुत बेहतर होगा, क्योंकि हमारे पूरे हिंदुस्तान का गौरव जो है वो इन लोगों से है जो हमारे हिंदुस्तान में लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, उनका नाम होना चाहिए। हरदोई के कछौना थाने इलाके में अधेड़ की हत्या के मामले में पुलिस ने मृतक के बेटे व उसके दो साथियों को गिरफ्तार किया है। हत्या के आरोपियों के पास से हत्या में प्रयुक्त दो मोटरसाइकिल, आला कत चाकू भी बरामद किया है। हत्या के पीछे के कारण मृतक के ऊपर 8 से 9 लाख रुपए के कर्ज से निजात पाने व किसान बीमा योजना से 5 लाख का मुआवजा पाने के इरादे से मृतक के पुत्र ने अपने साथियों के साथ मिलकर पिता को शराब पिलाकर गला घोटकर हत्या करने के बाद चाकुओं से गोद दिया था और फिर अपने गांव के जिनसे उनकी दुश्मनी चल रही थी उनको फंसाने के लिए नामजद FIR दर्ज कराई थी। पुलिस ने जब पड़ताल की तो पूरा मामला खुलकर सामने आ गया, जिसके बाद मृतक के पुत्र उसके दो साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार ने बताया कि 9 अगस्त की रात को संडीला थाने इलाके के भगवंतपुर गांव निवासी राजपाल की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। उसका शव कछौना थाने इलाके के बक्सा खेड़ा गांव के पास इंडस्ट्रियल एरिया फेज 2 में पड़ा पाया गया था। उसके शरीर पर चाकुओं के दर्जनों निशान मौजूद थे, उसका गला रेता गया था। इस पूरे मामले में मृतक के गांव के 3 लोगों को मृतक की पत्नी ने नामजद करते हुए अपने पति की हत्या का आरोपी बनाया था। इस हत्याकांड की खबर पर पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने मौके का निरीक्षण किया और खुलासे के लिए कछौना कोतवाल राज सिंह को निर्देशित किया था। ASP ने बताया कि पुलिस ने जब पूरे मामले में पड़ताल शुरू की तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आ गए। इस मामले में पुलिस ने मृतक के पुत्र विश्वेंद्र प्रताप उर्फ गोपाल सिंह, उसके दोस्त धर्मेंद्र सिंह व अनु सिंह को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो पूरा मामला खुलकर सामने आ गया। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मृतक के गांव में वर्ष 2006 में विमलेश सिंह की हत्या हुई थी, जिसमें मृतक राजपाल भी नामजद था। हालांकि 18 फरवरी 2011 को न्यायालय ने इस मामले में सभी को दोषमुक्त कर दिया था, परंतु रंजिश दिलों में बसी थी। अपर पुलिस अधीक्षक के मुताबिक मृतक के ऊपर विभिन्न लोगों का 8 से 9 लाख रुपए का कर्ज था और वह अपनी जमीन बेचना चाहता था। मृतक के पुत्र ने जमीन न बिके और कर्ज से भी मुक्ति मिल जाए इसी के साथ किसान बीमा योजना से 5 लाख का लाभ भी मिले, इसके लिए मृतक के पुत्र ने अपने दोनों साथियों के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची और पिता को बाइक पर बैठाकर घटना स्थल पर ले गया। वहां शराब पिलाने के बाद उसने पिता की गला घोंटकर हत्या कर दी, फिर चाकू से पूरे शरीर को गोद दिया।
पुलिस ने तीनों को आलाकत चाकू व हत्या में प्रयुक्त दो मोटरसाइकिलों के साथ गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। थाना कथौना क्षेत्र में 10 तारीख को मृतक राजपाल की डेड बॉडी मिली थी, जिसपे चाकू से गोद कर उनकी हत्या की गई थी। इस संबंध में पुलिस ने उनके बेटे व दो अन्य साथियों को हत्या में गिरफ्तार किया है, जिनके पास से मोटरसाइकिलें, चाकू और अन्य जो सामग्री इसमें प्रयुक्त हुई थी वो बरामद की गई है। क्या कारण था मृत्यु का? इनके हत्या का कारण यह था कि इनके ऊपर बहुत कर्जा था और इनके मृतक के बेटे व अन्य लोगों ने सोचा कि अगर इनको मार दिया जाए तो कर्जा जो समाप्त हो जाएगा, वह अन्य से हमको जिनको नेम्ड किया उनसे हम पैसा ले करके अपने जो कर्जे हैं उसको खत्म कर सकते हैं। पैसे लेगा तो कैसे मारा गया? इनको संडीला से मेन ये मोटरसाइकिल से ले आए थे। घटना स्थल पर शाम को 8:30-9 बजे के आसपास इनका चाकू से गोद कर मर्डर किया गया था।